मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट खरीदने की कवायद जो है फिर से शुरू हो गई है। इससे पहले भी एक बार प्रयास किया गया था, लेकिन जो है वो डील निरस्त हो गई थी। अब फिर से जो है वही काम शुरू किया जा रहा है, और गवर्नमेंट ने जो है इसके लिए RFI यानी रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी कर दिया है। तो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट 110 एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए जो है RFI जारी किया है। यहाँ पे इंजन की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऐसा लिखा नहीं गया है कि इंजन सिंगल इंजन वाला फाइटर हो या ट्विन इंजन वाला हो। इसमें जो है 90 जो है वो भारत में बनाए जाएंगे 110 में से, और बाकी जो 20 लगभग हैं वो फ्लाई अवे कंडीशन में दूसरे देश से खरीदे जाएंगे। इसमें से 75% एयरक्राफ्ट जो है वो सिंगल सीट वाले होंगे, बाकी जो है वो डबल सीट के होंगे जो कि ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होंगे। तो यहाँ पे जो है एयरफोर्स ने काफ़ी डिटेल में जो है अपनी स्पेसिफिकेशन, अपनी ज़रूरतों को जो है मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे जो प्लेन लिए जाएंगे उनमें एयर सुप्योरिटी, एयर डिफेंस, एयर टू सरफेस ऑपरेशन, मैरी टाइम रिकॉनसेंस, इस तरह के ऑपरेशंस करने की काबिलियत होनी चाहिए। साथ में जो है इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और बड़ी टू बड़ी रिफ्यूलिंग जैसे फीचर्स होने चाहिए। तो काफ़ी डिटेल में जो है इस बार जो है एयरफोर्स ने जो है डिटेल में जो है RFI को जारी किया है। बहुत सारे जो है बारीकियों में जो है एक एक फीचर को डिस्क्राइब किया है जो कि फाइटर प्लेन को पूरा करना चाहिए। अब इस डील में जो मेन कंटेंडर होंगे ये वही होंगे जो कि पिछले समय भी थे, यानी कि बोइंग का F-18 सुपर हॉर्नेट, लॉकहीड मार्टिन का F-16, साब का ग्रिपिन, डिसॉल्ट एविएशन का राफेल और MiG-35 रशिया का, यूरोपियन यूनियन का यूरो फाइटर टाइफून। ये सारे के सारे वही हैं जो पहले भी थे, और इनमें से जो है एयरफोर्स ने फाइनली यूरो फाइटर टाइफून और राफेल को जो है शॉर्टलिस्ट किया था। अब ऐसे ही कुछ उम्मीद की जा रही है कि फिर कुछ जो है वैसा ही होगा। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल भी यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। तो जो भी कंपनी का फाइटर प्लेन सेलेक्ट होगा उसको एक भारतीय पार्टनर सेलेक्ट करना पड़ेगा, और उसके साथ जो है मिलके बाकी के प्लेन जो है मेक इन इंडिया यानी कि भारत में बनाने पड़ेंगे। इसमें जो है कुछ बातें ऑफ द रिकॉर्ड भी हैं जो कि RFI में नहीं लिखी गई हैं, वहाँ मेंशन नहीं की गई हैं, लेकिन बैकग्राउंड में वो हैं। तो ये टेंडर जारी होने से पहले जो है सरकार ने और एयरफोर्स ने जो है DRDO और HAL को कहा था कि वो एक लिस्ट बना के दें AMCA यानी कि फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए जो जो टेक्नोलॉजीज चाहिए और जो आपके पास नहीं है उनकी लिस्ट बना के दें, ताकि इन सारी टेक्नोलॉजीज का री इन्वेस्टमेंट क्लॉज में जो है उस MMRCA में शामिल किया जा सके, ताकि जो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है वो जो है हम इस डील के थ्रू उन कंपनियों से ले सकें, ताकि हम जो है AMCA को खुद ही बेहतर बना सकें। तो पिछली वाली डील में और इस वाली डील में थोड़ा बहुत फ़र्क है। फ़र्क क्या है उस पर आ जाते हैं। तो पिछली वाली डील में बहुत से फीचर्स जो मेंशन किए गए थे वो अंडर डेवलपमेंट में थे, जैसे कि AESA रेडार। तो एयरफोर्स ने अपनी रिक्वायरमेंट में AESA रेडार मेंशन किया था, लेकिन उस समय जो है कई कंपनियों ने ये रेडार डेवलप नहीं किया था। पिछली डील में जो है सेलेक्टेड कंपनी को एक ही भारतीय पार्टनर चुनने का ऑप्शन था जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड था, लेकिन इस डील में जो है वो प्राइवेट कंपनी को भी अपना पार्टनर चुन सकती है। तो ये एक अच्छी बात यह है यहाँ पे। इस डील में जो है कंपनियों को बहुत ही डिटेल में बताना पड़ेगा कि क्या टेक्नोलॉजी वो शेयर करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे भारतीय कंपनियों के साथ। तो उनको जो है स्कोप, डेप्थ और रेंज ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो है वो बड़ी डिटेल में यहाँ पे बता के रखनी पड़ेगी। यहाँ पे परफॉर्मेंस बेस्ड लॉजिस्टिक सपोर्ट का क्लॉज ऐड किया गया है, ताकि 75% अवेलेबिलिटी जो है हमेशा रहे, यानी कि 75% प्लेन जो है हमेशा फाइटेबल सिचुएशन में रहें। इस डील में जो है सभी कंपनियों को फाइटर एयरक्राफ्ट की लागत कितनी होगी अप्रोक्सीमेटली ये बताना पड़ेगा, साथ में PBL का कॉस्ट कितना होगा 10 साल के लिए, और मैनेजमेंट के जो भी खर्चे होंगे वो सारी चीज़ें जो है उनको एडवांस में बतानी पड़ेगी। एक और अच्छी बात जो यहाँ पे जोड़ी गई है वो ये कि फील्ड ट्रायल का कॉस्ट जो है वो भारतीय साइट से बियर नहीं किया जाएगा। तो जो भी फील्ड ट्रायल हमारी एयरफोर्स या हमारे लोग करेंगे उसका खर्चा जो है भारतीय कंपनियां या भारत सरकार नहीं देगी, वो उनको ही देना पड़ेगा। तो पिछले समय जब ट्रायल हुआ था तो उसका खर्चा जो है हमने ही दिया था, और वो खर्चा हो गया था करीब 40 से 50 मिलियन डॉलर का, और 40 से 50 मिलियन डॉलर में एक प्लेन लगभग आ जाता है।
तो यहाँ पे जो है एक बड़ी बचत होगी फील्ड ट्रायल का खर्चा उन्हीं कंपनियों से लेने के कारण। और उम्मीद की जा रही है कि ये डील जो है जल्दी पूरी हो जाएगी, पिछली डील की तरह जो है ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जिन भी कंपनियों का कि फाइटर प्लेन का इवैल्यूएशन होगा, उनका इवैल्यूएशन एक्चुअल में पहले हो भी चुका है। तो इस डील में वही सब कंपनियां पार्टिसिपेट करेंगी जो कि पहले भी कर चुकी हैं। तो यहाँ पे जो है काम जल्दी होने की उम्मीद है, पहले जितना जो है धीमा नहीं होगा, ऐसी आशा कर सकते हैं हम। तो इसी के साथ जो है मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आने वाले वीडियोस के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।